गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्ग का क्षेत्रफल और उसका परिमाप निकालना बताऊंगी। सबसे पहले तो मुझे तारे को वर्ग कहते किसे हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसको वर्ग कहा जाता है। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं और सब भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, वो क्या होता है, वर्ग होता है। और इसमें प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और चार भुजाएं जो है बराबर होगी, इसलिए वर्ग क्या हुआ कि चार भुजाओं बराबर भुजाओं से बंद कृति को वर्ग कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। इसलिए इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल क्या होता है, जो हम अंदर का निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, जो अंदर का निकाला जाता है, वो क्षेत्रफल कितना उसने स्थान को घेरा है। जैसे ये 6-6 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं हैं, इसके अंदर ये जो बना है ये इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल होगा। यदि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा जो होगा क्षेत्रफल होगा। इसलिए भुजा गुना भुजा क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। भुजा गुना भुजा क्या होगा, उसका भुजा का स्क्वायर होगा। और इसकी इकाई जो होती है क्षेत्रफल, हमेशा मैं शुरू से बताती आई हूँ कि वर्ग इकाई में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी हो उसी के हिसाब से होता है, वर्ग में आता है। और इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है कि जितनी उसकी भुजाएं हैं उनको सभी को जोड़ दिया जाए, वो उस आकृति का परिमाप बन जाता है। जैसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, अगर हम इन चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो वो इसी का परिमाप होगा। इसलिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग में, चार गुना भुजा, क्या होता है, चार गुना भुजा। और इसमें जो इकाई तुम्हें साथ में दी हो वही इकाई लिखी जाती है। अगर मीटर दे रखा है तो मीटर लिखा जाएगा, अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा। इसलिए इसमें वर्ग या घन के गुण का साथ में नहीं लिखा जाता। इसलिए परिमाप क्या होता है, जितनी किसी भी आकृति की भुजाएं होती है उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो हमारा परिमाप बन जाता है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है, 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ऊपर मैंने फार्मूला आपको दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, भुजा का स्क्वायर। इसमें भुजा कितनी है, 6, भुजा कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। इसी 6 का स्क्वायर जो होगा दिया जाएगा, 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 6 × 6 बराबर 36 मीटर स्क्वायर। ये मैं आंसर क्या लिखा है, 36 वर्ग मीटर, क्या लिखा है, 36 वर्ग मीटर। अगर मैंने इसका परिमाप निकालना होता है तो परिमाप का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है कि इसकी कितनी भुजाएं होती है वर्ग की, 4। इसी 4 भुजाएं क्या है, सभी आपस में बराबर है, इसलिए 4 × भुजा। इसी 4 × भुजा बराबर किसके आएगा, 4 × 6 = 24 मीटर। मेरा ख्याल है कि आपको क्षेत्रफल जो और परिमाप के बारे में पता चल पाएगा कैसे निकालना है। जैसे इसका फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, भुजा का स्क्वायर और परिमाप का 4 × भुजा। थैंक यू।